एक महिला जो अपना नाम पता नहीं बता पा रही है, जिसके साथ में दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इस संबंध में अवगत कराया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक को ये बताया गया कि इसकी फ़ोटो लेकर के, इनकी बच्चों की फ़ोटो लेकर के जो आसपास के लोग हैं उनको दिखाइए, तथा इसके संबंध में आप पता करिए, चूँकि आसपास की है, चूँकि रात में मिली है, तो हो सकता है बच्चा मानसिक रूप से अगर ठीक नहीं रहेगी तो घर से निकल गई हो, रास्ता भटक गई हो। इस संबंध में आप पता लगाइए, तथा मैंने भी उस महिला की फ़ोटो अपने पास प्राप्त की, तथा अपने माध्यम से भी हम जो हमारे पुरवा उन्नाव में पड़ता है थाना पुरवा, उसके संबंध उसमें ग्रुपों में मैंने सेंड की, तथा लोगों से पता करने की गुजारिश की। इस संबंध में लगभग 9 बजे उस महिला के परिजन आ गए और उस महिला को हमने परिजनों को सुपुर्द किया। इस कार्य में हमारी जो महिला कांस्टेबल प्रियंका तथा एसआई चंद्रपाल ने बहुत सहयोग किया। उक्त महिला वहीं वजीरगंज पड़ता है मोहल्ला, वहाँ की रहने वाली थी। इसके पति का नाम संदीप है तथा इनके बच्चों का, इस महिला का नाम उषा देवी है, लड़के का नाम एक कृष्णा है जो 4.5 साल का है, तथा बेटी का नाम अनन्या है जो 2.5 वर्ष की है। ये महिला बहुत परेशान थी तथा इसके परिजन बहुत परेशान थे। हम लोगों ने 20 ग्रुप में इस महिला को सेंड किया होगा कि जिससे इसके परिजन मिल सके, इनके बच्चों के इनके परिजन मिल सके। इसमें प्रभारी निरीक्षक पूर्वा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी का विशेष सहयोग रहा। श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी भी कई लोगों को ये मैसेज सेंड किए तथा अपने आप से पता लगाने का प्रयास किया। साथ में कांस्टेबल प्रियंका, एसआई श्री, मैं नाम बता देता हूँ आपको, चंद्रपाल जी हैं, उन्होंने इस महिला को प्रयास किया। जब हम लगातार इसके संपर्क में रहे बच्चों से कि अगर कोई दिक्कत है, बच्चों को खाने से पीने से लेकर के हम सारी व्यवस्था करेंगे, अगर नहीं होता तो हम वन स्टॉप सेंटर पे रखेंगे, तथा इन बच्चों को तथा इसकी महिला के परिजनों को पता लगा के इसको संपर्क करेंगे।